जवान ने दिया है हमारे गवर्नमेंट के मुंह में एक जोरदार तमाचा। बात तो सही है। फिल्म देखे तो ऐसा ही लग रहा कि गवर्नमेंट का हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का उसने बार बार झूठ बोलो। जवान खुद तमाल तो बुढ़े है, अब बना दिया है फिल्म जवान। जवान फिल्म बना देने से कोई जवान नहीं बनता शाहरुख खान। जवान का एक दिन का कमाई देख के मुकेश अंबानी पगला गया है, जिसके कारण नीता अंबानी फिर से शादी का जोड़ा पहन के शाहरुख खान का घर का तरफ चलते हुए दिखाई दे रही है। अरे हाँ भाई हाँ। सब बूढ़े लोग को लग रहा है कि जवान फिल्म देख लेने से उन लोगों का मशीन भी जवान हो जाएगा। एक तो शाहरुख खान खुद मालूम बुढ़ा हो गया है और उसको देख के सब बूढ़ा लोग भी चल गया है जवान देखने के लिए। का सोच के मशीन जवान हो जाएगा। जवान फिल्म को देखने के बाद सबका अंदर इतना जवानी चढ़ गया है कि आज लग रहा है सब अपना जवानी दिखा देगा घर जाके। बंद करो। वेल जवान से बढ़ते हैं हमारे देश के तरफ। हाँ हमारे देश के तरफ। अगर इंडिया का नाम भारत में चेंज हो गया तो क्या स्कूल में इंग्लिश ना बोलने पे 20 रुपए जो फाइन लगता था वो क्या माफ हो जाएगा? इस हिसाब से तो मेरा 1200 रुपया ड्यू है, तो क्या वो माफ हो जाएगा? अब ये तो बहुत टेंशन वाला बात है। ये बार तो हमको फिर लाइन में लगनी होगा आधार कार्ड में नाम चेंज कराने का, अपना नहीं अपना देश का। अच्छा। सुनो ये तो बात बताए, ये G20 जो समिट है ना, ये तो खाली बहाना है। ये G20 समिट तो खाली ऋषि सुनक का वेकेशन के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है कि विदेशी फिरंगी तो उसको छुट्टी देगी नहीं, तो इसलिए मोदी जी G20 समिट करवा लिए अपने जमाई के लिए कि आते इधर आके घूम ले अपना वेकेशन बना ले। देखो गाइस जवान 2 के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन करेगा कौन? महेश भट्ट। जो कुछ भी है आपके सामने आ ही जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। मिलता है फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी। महाकाल का ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा।